आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आजकल जो है सोशल मीडिया पे एक इमेजेज बहुत शेयर हो रही है कि भाई आप अपनी 3 साल की ITR फाइल करा लो, 3 साल की आपकी ITR फाइल हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इसका सच क्या है? क्या हम 3 साल की ITR फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कौन से सेक्शन में कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को हमें कितनी लेट फीस देनी पड़ेगी, कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उससे बोलोगे कि भाई आपको अगर अपनी 3 साल की ITR भरवानी है, मान लो आपने पिछले 3 सालों से ITR नहीं भरवाई हुई है, तो हम भर देंगे। लेकिन साथ के साथ वो कहता है जी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसे कितनी फ़ीस बताओगे, गवर्नमेंट कितनी फ़ीस लेगी, ज़रा इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली जो हमारी ITR है वो तो फिनेंशियल ईयर 22-23 की है। सर इसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसके लिए तो 31 जुलाई तक हम फाइल कर देंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट हमसे ना तो कोई लेट फीस लेगी, ठीक है, और जो व्यक्ति का टैक्स बनता होगा वो हमें जमा करना पड़ेगा और हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इन दो ITR की, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की और फाइनेंशियल ईयर 20-21 की, तो पहली बात ये समझ लो जब आप ये दोनों ITR भरोगे तो ये ITR भरी जाएंगी सेक्शन 139(8)(a) के अंदर। सर ये कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन है भैया अपडेटेड रिटर्न का, कि भाई इसमें अपडेटेड रिटर्न आप भर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न का सेक्शन क्या कहता है कि भाई अगर आपने अभी तक ITR नहीं फाइल करी या आपने अपनी ITR गलत फाइल कर दी है तो आप एक अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। लेकिन अपडेटेड रिटर्न आप तभी भरोगे जब गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा। अगर आपका फ़ायदा है तो अपडेटेड रिटर्न नहीं भरोगे। सर मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरते हो तो सबसे पहले तो आप हमारे को मिनिमम 1000 रुपीज़ की लेट फीस दोगे। बिना 1000 रुपये की लेट फीस के अपडेटेड रिटर्न जाएगी ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना क्या कोई व्यक्ति ऐसा है क्या 20-21-21-22 की जो रिटर्न है ITR वो फाइल कर दे गवर्नमेंट को बिना 1 रुपया दिए। चाहे तुम्हारी इनकम 1 लाख रुपये है, चाहे तुम्हारी इनकम 2 लाख रुपये है, क्या भर सकते हो क्या? आंसर इज नो, ठीक है। आप चाहे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो आप जब कोई क्लाइंट आता है आपके पास तो पहले उसे समझा दो कि भाई देखो गवर्नमेंट को 1000 रुपये लेट फीस तो देनी पड़ेगी। अब आपने उसे वो समझा दिया, अब उसके बाद वो कहता है कि भाई जो पिछले 2 साल की मेरी ITR भरोगे, ठीक है ना, उसमें ना मुझे टैक्स भी जमा करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने 4 लाख की इनकम दिखा दी और फाइल कर दी, ऐसा नहीं है भाई साहब, मुझे ना टैक्स भी जमा करना है। तो आज जब आप उससे बोलोगे कि टैक्स भी जमा करना है तो पहले इस चीज़ को समझ लेना कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का अगर आप कोई टैक्स आज जमा करना चाहते हो, ठीक है ना, आज कोई टैक्स जमा करना चाहते हो अपडेटेड रिटर्न से, तो लेट सपोज करो आपका 15000 रुपये टैक्स बना, तो पहली बात तो इस पर इंटरेस्ट भी जमा करना पड़ेगा, और सेक्शन 140(b) के अनुसार वो ये कहता है कि अपडेटेड रिटर्न में जो भी टैक्स जमा करोगे उसका 25% एक तरीके से एडिशनल टैक्स जाएगा। तो 15000 जमा करना पड़ेगा, 15000 का 25% 3750 रुपये जमा करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 140(b) कहता है कि अगर आप असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के 12 महीने तक अपडेटेड रिटर्न भर देते हो और उसमें जो भी टैक्स आप ज़्यादा भरोगे, ठीक है ना, उसका 25% आपको और देना पड़ेगा। दूसरा केस, अगर आप यही चीज़ फाइनेंशियल ईयर 20-21 की करो तो भाई 20-21 की जो फाइनेंशियल ईयर की अगर आप बात करो तो उसमें 50% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 का असेसमेंट ईयर कब ख़त्म हो गया? 31-3-2022 को। तो अगर आप 12 महीने तक रिटर्न फाइल कर देते, मतलब 31 मार्च 2023 तक कर देते, तो सिर्फ 25% देना पड़ता। क्योंकि अब 12 महीने से ज़्यादा निकल गए हैं तो आपको 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ जाएगा, मतलब 15000 और प्लस में 7500। तो भाई जब आपके पास क्लाइंट आए तो उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ समझ आया या नहीं आया। अब अपडेटेड रिटर्न जब फाइल करनी है तो सेक्शन 139(8)(a) को भरना पढ़ना है,
और सेक्शन 140B को पढ़ना है टैक्स के लिए। ये दोनों सेक्शन पढ़े बिना आप अपडेटेड रिटर्न मत भर देना, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि भाई जो अपडेटेड रिटर्न है ITRU वो लॉस के केस में नहीं भरी जाएगी। कि लेट सपोज तुम सोच रहे हो कि लॉस फाइल कर दूं रिटर्न में, गारंटी नहीं भरी जाएगी, गवर्नमेंट का फायदा होगा तभी फाइल की जाएगी। अगर आप चाहते हो कि रिफंड क्लेम कर लो, एक व्यक्ति का रिफंड ही क्लेम नहीं करा हमने, तो एक व्यक्ति का ऐसा करते ITR फाइल करके ₹1,000 की लेट फीस दे देते और फिर रिफंड क्लेम कर ले, वो कहता नहीं रिफंड भी नहीं देंगे तुम्हारे को। तो क्लाइंट को कहने से पहले कि भाई हम तुम्हारी पिछली 3 सालों की ITR फाइल कर देंगे, तो उसे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताओ। कई प्रोफेशनल्स क्या गड़बड़ करते हैं कि भाई समझो इस चीज़ को कि जब हमें पिछले 3 सालों की ITR भरने हैं तो हम इसे फ़ोन करके पूछते हैं सर ITRU का फॉर्म कौन सा है। भाई ITRU का फॉर्म कोई सा नहीं है। आपको अगर ITR 1 भरनी है, ITR 2 भरनी है, आप यही यूटिलिटी डाउनलोड करोगे। जैसे यूटिलिटी डाउनलोड करते हो आप, वही यूटिलिटी डाउनलोड करोगे और उस यूटिलिटी में जब वो आपसे पूछेगा कि किस सेक्शन में ITR फाइल कर रहे हो, तो वहाँ पर सेक्शन 139(8)(a) सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब वहाँ पर सेक्शन 139(8)(a) सिलेक्ट करोगे तो एक अलग से एनेक्सचर खुल जाएगा, एक अलग से अनक्षर खुल जाएगा, वो आपसे कई सवाल पूछेगा। सर कौन कौन से सवाल पूछेगा? सर वो आपसे सवाल पूछेगा क्या तुमने पहले ITR भरी है क्या? अगर ITR भरी है और आप ज़्यादा टैक्स देना चाहते हो रिवाइज ITR करके ITRU भर के, तो तब भी आप ITRU कर सकते हो। या आपने पहले नहीं भरी जैसा कि हमारा केस है, ठीक है ना, तो दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो पूछेगा क्या आप एलिजिबल हो एज पर सेक्शन 139(8)(a), ठीक है ना, ITRU भरने के लिए। फिर आपको बताना पड़ेगा हाँ सर मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है ना, मैं अपना जो है ठीक है रिफंड क्लेम नहीं कर रहा, लॉस नहीं फाइल कर रहा, गवर्नमेंट को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, गवर्नमेंट का फ़ायदा ही कर रहा हूँ, तब आप ITR 8A भर पाओगे। तो ITR 8A अपडेटेड रिटर्न भरना आसान है, लेकिन क्लाइंट्स को पहले इसकी बारे में जानकारी दे दो। आपका क्या व्यू है? कई लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि सर 1,000 लेट फीस के साथ नहीं भरी जाती ITRU, ठीक है ना, उसमें ना मिनिमम ₹15,000 टैक्स भी जाता है भैया, जबकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। आप लेट फीस के साथ अपना टैक्स मत दिखाओ, लेट फीस के साथ चलान जमा करो और आप उसकी ITRU भर सकते हो। और अगर किसी ITR में कुछ गलती हो गई है, जो लोग आपके पास ITR भरवाने आ रहे हैं और पिछली 2 साल की ITR में कुछ गलती है जिससे कि आपने टैक्स कम पे किया है और ज़्यादा पे करना चाहते हैं, तो उस केस में भी ITRU भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और अगर ITRU को लेकर आपके कौन कौन से क्वेश्चन है ये बताना। और अगर आप इन सारे सवालों के जवाब चाहते हो तो हमने इनकम टैक्स का कोर्स लॉन्च करा है, ठीक है, अपनी वेबसाइट पर। अभी वेबसाइट डेवलपमेंट में है तो आप विजिट कर सकते हो। क्या वेबसाइट का नाम क्या है? KJW क्लासेस। सर ये W क्या आ गया भाई साहब? हमने अपनी कंपनी का जो नाम हमारे को ROC ने दिया है वो नाम दिया है KJ Wisdom क्लासेस। क्या नाम दिया हमारी कंपनी को? KJ Wisdom क्लासेस। सर KJ क्लासेस क्यों नहीं दिया? उन्होंने बोला भाई साहब ये नाम नहीं मिलेगा। तो जब उन्होंने हमारी कंपनी को नाम दिया KJ Wisdom क्लासेस, तो हमने इसलिए वेबसाइट बना दिया KJ W क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट को अभी भी विजिट कर सकते हो, बाद में भी विजिट कर सकते हो, ये डेवलपमेंट फेज में, और वहाँ से आप हमारा कोर्सेज और अपडेट्स देख सकते हो। चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। और आजकल ना GST के अंदर ना बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए ना अपील फाइल करनी है, तो इसलिए हमने इस संडे को ना अपील पे एक सेशन रखा है। तो अगर आप पूरा अपील सीखना चाहते हैं GST में अपील कैसे फाइल होती है, तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं एक नॉमिनल फीस के बाद, ठीक है ना जी। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।